सिटी कल्चरल फाउंडेशन और नागपुर नगर निगम के सहयोग से 6वें ऑरेंज सिटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 12 और 13 मार्च को वीआर सिनेपोलिस थिएटर मेडिकल चौक नागपुर में आयोजन किया गया है। सुबह 10 से रात 7 बजे तक मराठी से लेकर देश विदेश की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। महोत्सव को विदर्भ साहित्य संघ, पुणे फिल्म फाउंडेशन और सप्तक का समर्थन मिला है। ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन के डॉक्टर चंद्रशेखर मेशराम और विलास मानेकर ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन 12 मार्च को राज्य की ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत करेंगे। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, जिलाधिकारी विमला आर मुख्य अतिथि होंगे। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक डॉक्टर जब्बार पटेल, अभिनेता और आलोचक समन नखाते, फिल्म कलर ब्लाइंड के निदेशक धुंडीबा बालू करंडे भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर लोकप्रिय फिल्म जयंती के निदेशक शैलेश नलावड़े और फिल्म की टीम भी उपस्थित रहेगी। महान गायिका लता मंगेशकर को इस समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनकी यादें ताजा की जाएंगी। फिल्म और संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले पंडित भीमसेन जोशी, लोकप्रिय गीतकार साहिल लुधियानवी और सिने निदेशक सत्यजीत रे को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। महोत्सव के दौरान कई मराठी, हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और नागपुर वासियों को उपस्थित कलाकारों, विशेषज्ञों और निर्देशकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर। ये फेस्टिवल 12 और 13 मार्च को सिनेपोलिस VR नागपुर मेडिकल चौक में वहाँ होने वाला है। दो थिएटर में हम 16 मूवीज का प्रदर्शन करेंगे, उसमें 3 मराठी मूवी है, 3 भारतीय मूवी है और बाकी विदेशी मूवीज है। और ये इसका जो प्रदर्शन है वो शनिवार को यानी 12 तारीख को सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक दोनों दिन शनिवार और रविवार को चालू रहेगा। इसका उद्घाटन जो है वो 12 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे राज्य के एनर्जी मिनिस्टर और नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत करेंगे। और उस कार्यक्रम में जो नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त है श्री राधाकृष्णन साहब और नागपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है विमला मैडम वो भी रहेंगे, साथ में डॉक्टर जब्बार पटेल रहेंगे, समर नखाते रहेंगे, कुछ कलर ब्लाइंड नाम की जो मूवी है उसके जो डायरेक्टर है धुंडीबा वो भी रहेंगे, और जयंती नाम का जो सिनेमा हम दिखाने जाने वाले फेस्टिवल में उसके जो डायरेक्टर हैं शैलेश नलावड़े वो भी उपस्थित रहेंगे, उसके कलाकार जो है ऋतुराज वानखेड़े वो भी रहेंगे। और दूसरा हम जो फिल्म दिखा रहे हैं जय भीम नाम का जो सिनेमा है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ था तो वो भी इस फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। तो नागपुर की जो मूवी है जयंती और जय भीम ये बहुत मेन अट्रैक्शन ये फेस्टिवल का रहने वाला है।